नसीब में सबको सलाम, सलाम पाकिस्तान। मैं हूं का मेज़बान साजा गौरी। नाज़रीन, आज हम एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कि मेरी बेटी की शादी, इसका नाम है। आप हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमारा एक प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अपने जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनके घरों में जाके प्रोग्राम करते हैं। तो आप वो प्रोग्राम देखकर उनकी जिस तरह भी तरीके से हो सके हेल्प करते हैं। ये प्रोग्राम जो है मेरी बेटी की शादी, ये हमारा उसी तर्ज का एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो बेटियां हैं जो कि बेआसरा होती हैं और माँ बाप नहीं होते, ज़्यादा तादाद जो है इस तरह की जो हमारी बेटियां हैं, अगर किसी ना किसी तरीके से शादी ना हो सके, उम्र बढ़ जाए और बाप ना हो, और अगर वालदा ही हो तो वो उम्र बढ़ती जाती है बच्चियों की और वो शादी नहीं हो पाती क्योंकि वसाइल नहीं होते। इसी चीज़ों को देखकर हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़की हैं वो दूसरे स्टेप भी ले लेती हैं, यानी कि हालात को देखकर वो दूसरे मजहब में घर से जाकर शादियां भी कर देती हैं। और वो मजबूरी यही होती है कि हमारे वसाइल नहीं। इन्हीं मामलात को रोकने के लिए हमारे नेशनल न्यूज़ ने एक और स्टेप लिया है जो कि इस प्रोग्राम की शक्ल में सामने आएगा, जो कि मेरी बेटी की शादी। नाज़रीन, ये नाम जो है मेरी बेटी की शादी, ये जब मैं सोचा मैंने और हमारी जो टीम है नेशनल न्यूज़ की, उन्होंने जब सोचा तो हमें बड़ा पसंद आया और हमने सोचा कि क्यों ना यही नाम रखें कि मेरी बेटी की शादी। नाज़रीन, इसमें होगा क्या, इसमें तीन स्टेप में ये काम होगा। पहले स्टेप में हम अपनी जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो वालदैन जो हैं जिनमें बाप की डेथ हो जाती है और वो शादी माँ की मजबूरी होती है कि हम करें लेकिन वसाइल नहीं होते, पहले स्टेप में हम एक एप्लीकेशन लेंगे जिसमें उस फैमिली की एप्लीकेशन में नाम, पता, फ़ोन नंबर, उसके साथ आईडी कार्ड की कॉपी और उसके साथ वहाँ के उस इलाके का कोई भी सियासी बंदा, एमपीए, एमएनए या काउंसलर क्रिश्चियन कम्युनिटी का, उनका नंबर भी साथ मिल जाए तो बेहतर होगा, ताकि हम जो इंक्वायरी करें तो हम उससे पूछ सकें कि ये जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है कि ये वाकई ही ज़रूरतमंद हैं। क्योंकि हमारा स्टेप यही है कि हम उन बच्चियों की जो बेआसरा हैं उनकी शादी करें। और ये जो स्टेप हम ले रहे हैं, ये सबसे पहले हम लाहौर से शुरू करेंगे ताकि लाहौर से हम अब एप्लीकेशन इकट्ठी कर सकें। और उसके बाद अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम जितनी भी एप्लीकेशन इकट्ठी होंगी दो माह के अंदर, यानी कि ये जुलाई है और अगस्त, जुलाई अगस्त के अंदर अंदर हम लाहौर से जो एप्लीकेशन हमारे पास आएंगी हम उनकी इंक्वायरी भी करेंगे और पता करेंगे कि ये कौन से इलाके से हैं और किस तरह इनकी जो है रब्ता किया जा सकता है और इनका पता चलेगा कि ये वाकई ही ज़रूरतमंद हैं। और उसके बाद अगला स्टेप हमारा हो ये होगा कि हम जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात हैं जो हमारे इस स्टेप में हमारा साथ दे सके, हम उनको इनवाइट करेंगे और ये जो प्रोग्राम है मेरी बेटी की शादी, ये हम उन लोगों के पास भी जाएंगे जो लोग हमारे साथ मिलकर कुछ ना कुछ टोकन ऑफ लव करना चाहेंगे, तो हम उनकी बकायदा एक प्रोग्राम की शक्ल में एक वीडियो बनाएंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको वीडियो को आपको देखकर आपको भी मोटिवेशनल हो और आप हमारे साथ मिलकर ये काम कर सकें। और अगला स्टेप जो है वो हमारा ये होगा कि हमारे जितने भी मुखय्यर हज़रात देखने वाले हैं वो हमारे साथ मिलकर हमारे साथ हाथ मिलाएंगे और कदम बढ़ाकर आगे चलेंगे। और उससे अगला स्टेप जो होगा वो हमारा शादी का होगा, ताकि दो महीनों के अंदर हम एप्लीकेशन जमा करेंगे लाहौर की सिर्फ, और ये बार बार मैं कह रहा हूँ ये लाहौर की एप्लीकेशन होंगी, और नीचे जो नंबर जो दिखे हुए हैं दो, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और याद रहे, एप्लीकेशन, आईडी कार्ड की कॉपी और साथ मोबाइल नंबर जो वहाँ के जो सियासी बंदा है
या पास्टर साहिबान हैं उस इलाके के या फादर साहिबान हैं उनका नंबर, ताकि उनसे हम पता कर सकें, इंक्वायरी कर सकें कि वाकई ही ये बच्ची ज़रूरतमंद है। और उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो हमारे उन मुखय्यर हज़रात के साथ होगा जो हमारे साथ कंधा मिलाकर हमारे साथ चल सकेंगे, और बकायदा तौर पर जो भी आप टोकन ऑफ लव देंगे वो बकायदा हम ऑन एयर करेंगे कि ये हमारे जो दोस्त अहबाब हैं ये हमारे साथ मिलकर हमारे साथ कदम कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। और अगला स्टेप जो हमारा होगा वो हो शादी का, और उसमें हम इज्तमाही शादियाँ करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी दूसरे मज़हब के जो लोग हैं, जिस तरह मुस्लिम कम्यूनिटी के जो लोग हैं, वो हर साल किसी ना किसी तरीके से इज्तमाही शादियों का जो है एक रवाज उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। मुख्तलिफ तंजीमों ने वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में 100 शादियाँ 50 शादियाँ इस तरह के स्टेप वो लेते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने नेशनल के प्लेटफार्म पर ये स्टेप लें कि इज्तमाही शादियाँ जो हैं वो हम भी कर सकें, हमारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी की जो बच्चियाँ हैं जो बेआसरा हैं वो शादी नहीं हो सकती उन किसी भी वसाइल के तरीके से, तो हम वो वसाइल उन तक पहुँचाएँ और शादी करें। और इज्तमाही शादी का मकसद यही है कि हम एक जगह डिसाइड करेंगे, तीसरे स्टेप में एक जगह डिसाइड करेंगे जहाँ पर हम सारी बेटियों को इकट्ठा करेंगे, और उसमें जो भी हमारे साथ मिलकर कंधा मिलाएंगे हम उन लोगों को साथ इनवाइट भी करेंगे उस शादी में, ताकि वो जो बात करते हैं हम कि आप मेरी बेटी की शादी में आएंगे और क्या देंगे। और हम नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट में मेरी बेटी की शादी में आएंगे और हमारे साथ मिलकर क्या देंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह सारी डिटेल मैंने बता दी है प्रोग्राम के अंदर, और जो नंबर जो लिखे हुए हैं इस पर आप अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये सिर्फ लाहौर के लिए है। और खुदावंद के फजल से जिस तरह ही हमारा लाहौर का स्टेप पूरा होता है तो हम दूसरे शहरों में भी जाएंगे, क्योंकि मसीह कौम की बेटियाँ जहाँ पर भी हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर वो हमारी हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो है मेरी बेटी की शादी। मैं चाहूँगा कि आप इसमें ज़रूर आएँ और हमारे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करें, और हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए आप दुआ भी करें ताकि खुदावंद हमारे साथ हो और हमारे इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। मेरी तरफ से पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो देखकर आगे शेयर करें।